हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केजन स्टिचिंग पॉइंट में। दोस्तों, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमने 6 इंच की लंबी डोरी पलट ली है और इसको कट कर लिया है। ये 6 इंच लंबी पीस कर लेना है, छोटे छोटे टुकड़े 6 इंच के कर लेना है। करने के बाद हमने एक कपड़े पे पेस्टिंग चिपका लिया और उसके ऊपर 3 इंच पे मार्किंग करी है। फिर उसके बाद यहाँ पे 1-1 इंच पे मार्किंग कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, इस तरह से मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से हमें सीधा उसी मार्किंग पे निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे 1.5 इंच पे हमें 1.5 इंच की दूरी पे हमें मार्किंग कर लेनी है। फिर स्केल की मदद से एक निशान हमें नीचे लगा देना है और उसके बाद यहाँ से हमें कट कर लेना है और साइड से भी हम कट करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देंगे। फिर नीचे भी हम 1 इंच मार्किंग करेंगे और ऊपर वाले निशान से इसको मिला देंगे। अब दोस्तों, हमें क्या करना है कि जैसे ही हमने इस साइड पर निशान लगाया था, वैसे ही उस साइड हमें मार्किंग कर लेनी है बिल्कुल बराबर बराबर, ताकि हमें सिलाई लगाते टाइम दिक्कत ना हो। अब इसको हम क्या करेंगे, जो साइड से है हम 1/2 इंच फोल्ड कर देंगे चारों तरफ से। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम फोल्ड करते हुए चले जाएंगे। इस साइड से भी हम फोल्ड कर देते हैं। अभी हमने फोल्ड कर दिया है। अब फोल्ड करने के बाद जो हमने पैंट का सेंटर बनाया था, उस सेंटर के बीच में हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे कच्ची, क्योंकि ये सिलाई कट के वापस निकल जाएगा। फिर उसके बाद जो हमने मार्किंग करी है, उस मार्किंग में हम सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखें, जो आपकी सिलाई है उसी मार्किंग पर चलनी चाहिए। अभी हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बीच का, उसको हम कट करके निकाल देंगे। और ये जो हमने साइड में कट लगा दिए हैं बिल्कुल, अब इसको पलट कर एक कच्ची सिलाई लगा देंगे, ताकि ये यहाँ पे हैविंग हो जाए, या फिर हम इसको तुरपाई कर सकते हैं या फिर सिलाई भी लगा सकते हैं बाद में, लेकिन अभी हमें ये कच्ची सिलाई लगा लेनी है। अब उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, जो हमारा नीचे फोल्ड का निशान है उस पर हम निशान लगा लेंगे। 3 इंच हमने नीचे मार्जिन रखा था एक्स्ट्रा फोल्ड का, वहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। अब इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से। अब इसी तरह से जो हमने मार्किंग लगाया था, दूसरी साइड भी हम फोल्ड कर देंगे। ये हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है, तो उसको एक बराबर रख के फोल्ड कर लें और इस चीज़ का ध्यान रखें कि छोटा बड़ा ना हो ये। तो ये हमने तैयार कर लिया है। फिर ये न्यूज़पेपर ले लेंगे। न्यूज़पेपर की चौड़ाई हम 5 इंच रख ली है, उसको सेंटर बना के बीच में एक लकीर लगा दिया है। फिर उसके बाद 1 इंच ऊपर निशान लगाया है, 1 इंच नीचे लगाया है, और इसके आगे मदद से उस निशान को सीधा कर देंगे। फिर दूसरी साइड के 1-1 इंच के हिसाब से हम निशान लगा लेंगे और स्केल की मदद से उसको भी सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो हमारा निशान है वो 2 इंच तैयार आ जाएगा। अब जो है हमें 1.5-1.5 इंच पर मार्किंग कर देनी है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें 1.5-1.5 इंच पर पूरे में मार्किंग कर लेनी है। अब हमने क्या किया, जो हमने डोरी बनाई थी उस डोरी को यहाँ पे लगा लेना है। याद रखें, जो 6 इंच की डोरी थी उसको डबल कर लेना है, और उसके बाद जो हमने मार्किंग करी थी उस मार्किंग पे ही हम इसको लगाते हुए चले जाएंगे। याद रखें दोस्तों, जो हमने बीच में जो लकीर लगाई थी ना, वो वहीं पे ही डोरी आनी चाहिए, ना कि ऊपर नीचे होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे होगा तो आपकी जो शेप है डिज़ाइन का, वो बिगड़ जाएगा। कोशिश करें जो हमारा ऊपर की जो लकीर लगाई है उसका सेंटर वहीं पे है। ये हमने एक साइड पे डोरी लगा दी है। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड भी डोरी लगा लेंगे, लेकिन दूसरी साइड जो डोरी लगाएंगे वो डोरी हम एक दूसरे के अंदर से निकालेंगे। जैसे कि हमने ये लगाया और उसके बाद जो डोरी लगाई है उसके अंदर से हमने निकाल कर, फिर हमें जहाँ पे लकीर हमने लगाया था, जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था, उस निशान पर हमें अटैच कर देना है। तो इसी तरह से इसको अटैच करते हुए चले जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए सबसे पहले आपको मिल सके। अब हमें क्या करना है, जो हमने इसमें पैंट को पलटा था पेस्टिंग लगा के, अब उसी को फिर रखना है, उसके ऊपर रखकर लपकी सिलाई से इसको बिल्कुल अटैच कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल किनारे में हमें सिलाई चलानी है,
और सिलाई चलाने के बाद ये बिल्कुल अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से अटैच कर ले। और दोस्तों आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है और मैं आपको थैंक्स बोल सकूँ। तो दोस्तों डिज़ाइन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए हम आपको अब फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। तो ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। धन्यवाद।